जय माँ बलखाना, जय बाबा भूतनाथ। जो भी भक्त इस दरबार से जुड़े हुए हैं उनको आशीर्वाद है, मंगल हो, कल्याण हो, कष्ट दूर हो। और सबों को आशीर्वाद है जो कई सालों से जुड़े हुए हैं। मैं बालपन अवस्था में था जब मैं कामरूप प्रदेश में था, और वहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं, दीमापुर, कोहिमा, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और नेपाल से भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और जो भाव भक्ति में है उनको सदा कल्याण होता रहेगा। जो भक्त इस दरबार से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि उन्हें मालूम है कि इस दरबार में जो जुड़े हुए हैं सच्चे मन भाव से, उन पर कभी किसी का क्रिया, जादू टोना, मंत्र, संत्र, अंत्र की कोई प्रकार का परेशानी नहीं हुआ है। रूप बदलते हैं, शक्ति वही है, कृपा वही है, और ये कृपा माँ की असीम कृपा और अध्यात्म का है, मेरे मेडिटेशन का है, मेरे साधना का है। और मैं चाहता हूँ श्रद्धा भाव से हमारे भक्त जो भी सुन रहे हैं मेरे इस आवाज को, वो भाव भक्ति में लगे रहे, किसी के भड़कावे में ना पड़े, क्योंकि जो जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि दरबार में जो रोते हुए आए हैं, परेशान होकर आए हैं, उनका सदैव कल्याण हुआ है। सबों को पता है कि बाबा के दरबार में जाने से बड़े बड़े बीमारी और परेशानियां, कष्ट का निवारण हो जाता है। हम कभी दिखावा नहीं करते हैं और दिखाते नहीं हैं। यहाँ जो आते हैं उनको पता है, जो जुड़े हुए उनको पता है, मेरा काम कुछ चंद लोगों को रास्ता दिखाना, उपदेश देना है, मार्गदर्शन देना है कि आप सत्य के रास्ता पर चले, अध्यात्म के रास्ता पर चले, क्योंकि जानो है दूर बटोही कल्ले रैन बसेरा, और ना घट तेरा ना घट मेरा चिड़िया रैन बसेरा। तो संसार में जितने भी मानव आए हैं, एक समय आएगा जो यहाँ से छोड़ के सबू को जाना है। इसलिए धर्म के रास्ते पर चले, सत्य के रास्ता पर चले, और अपने भक्तों से, अपने हमारे जो भी सज्जन पुरुष हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे शिष्य हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भक्ति करते रहें, माँ की असीम कृपा आप लोगों को मिलेगी। और एक और बात, जिनका कर्म अच्छा होगा, जिनकी सोच अच्छी होगी, जिनकी नीति अच्छी होगी, वही इस दरबार से जुड़ेंगे, और जिनकी सोच और नीति सही नहीं होगी आके भी भटक जाएंगे, क्योंकि उनकी किस्मत में भटकना लिखा हुआ है। और जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं ये वादा करता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ कि उन पे किसी प्रकार का संकट और परेशानी कभी नहीं आएगा। इसलिए बाबा भूतनाथ का दरबार वो दरबार है जब मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है, और क्षण पश्चात जब उसकी मृत्यु होती है तो बाबा भूतनाथ के शरण में चला जाता है। इसलिए आप लोग श्रद्धा भाव से रहें, जो भी बंधु यहाँ से जुड़ रहे हैं लोभ लालच करके ना जुड़े, श्रद्धा भाव से जुड़े, क्योंकि जो जुड़े हुए उन पर कृपा निश्चित है कि होगा। और मैं पहले भी बता दिया कि मैं कभी शो नहीं करता, ना मैं कभी दिखाता हूँ। हमारे दरबार में जो भी भाव से जुड़े हैं सब लोगों का कल्याण होता रहेगा, जीवन में सभी परेशानियां समाप्त होती रहेंगी। और जो लोभ करके यहाँ आते हैं तो भी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, दरबार जो है कि अद्भुत है, और यहाँ की महिमा अद्भुत है। श्रद्धा और भाव से जुड़े और आपका सदैव कल्याण होगा, क्योंकि माँ की असीम कृपा और आराधना से संसार का कल्याण हुआ है। और माँ की असीम कृपा से मैं कामख्या कामरूप प्रदेश के अपार सफलता के बाद बिहार में हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबों का कल्याण हो, सबों का मंगल हो, और सबों का कष्ट दूर है, क्योंकि ये संसार में परमात्मा हम मानव को भेजे हैं कर्म करने के लिए। और यहाँ छाल पाँच करना, काम क्रोध मद लोभ इच्छा से दूर रहें, और माँ की भक्ति आराधना करें। जो श्रद्धा भाव से आना, अपने ज़िंदगी में परेशानी है किसी प्रकार का, आ सकते हैं बाबा भूतनाथ आश्रम 12 चकिया रानगंज महला वार्ड नंबर 9। मेरा यह वीडियो बनाने का सोच समाज के प्रति है, और हमारे जो भी 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं हमसे, मैं उनसे भी कहूँगा कि आगे लोगों को सही मार्ग बताया जाए और आश्रम पर भेजा जाए। जो भी परेशानी है जीवन में किसी को भी, तो भ्रम से बचेगा और यहाँ आने से उसके समस्त संकट दूर हो जाएगा। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
जय बाबा भूतनाथ। बाबा भूतनाथ में वो कृपा है जो श्रद्धा और भाव से चला आएगा इस दरबार में, उसके समस्त परेशानी और कष्ट दूर हो जाएगा। जय बाबा भूतनाथ।